motions. कहता पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरी विद पोजीशन अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, फाइव टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन मास देयर। तो इस ग्राफ से तुमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ग्राफ से क्या क्या पता चलता है, मीन पोजीशन का मीन पोजीशन, मीन से तो पता चल ही रहा, और क्या पता चल रहा है मीन पोजीशन के साथ साथ, यू मैक्स दिया हुआ है, यू मैक्स बोलेगा ना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम दिया हुआ है टू यू, है ना, ए दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर है कि नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर टू यू, है ना। अब जो है हाफ मास होते हैं हम लोग टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा फाइंड करना होगा, तो मास दिया हुआ 100 ग्राम 0.1 हो गया इनटू ओमेगा स्क्वायर, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ 20 0.2 का स्क्वायर बराबर टू, क्लियर, इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 4 अपॉन 0.1 0.04 तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4000, हां ओमेगा इक्वल टू 10 रूट आएगा रेडियन, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा 10 रूट पाई अपॉन पाई रूट, क्लियर, चलिए विच टाइम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल becomes becomes 1/4 the maximum potential energy of particle, now jawab hai पार्टिकल इज स्टार्टेड मोशन, क्वेश्चन मेंशन रहेगा फ्रॉम मीन पोजिशन, ठीक है, टी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, तो फॉर्मूला लगा बना लेगा कुछ इधर लेगा, कौन सा फॉर्मूला लगा देगा, पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम टी बराबर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इनटू क्या लिखे थे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो 1/4 कर दिस प्लस माइनस आ जाएगा 1/2 सॉल्व कर लेगा कुछ, ठीक है, इस फॉर्मूला से यहां 1/4 लिखा हुआ 1/4 द मैक्सिमम 1/4 द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 1% पोटेंशियल पार्टिकल मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी ऑफ पार्टिकल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन,
है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या लिखेंगे, क्या पढ़े हैं मैकेनिकल से पढ़े थे ना वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, पूछेगा तो इनिशियल बराबर फाइनल समझ रहा बात। तो अब लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, देखो क्या मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी एट टाइम टी तो काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एट टाइम टी क्या पढ़े हाफ एम ओमेगा सर पार्टिकल अपना मोशन मीन से स्टार्ट किया है पार्टिकल अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन क्या होगा ए साइन यू टी यू मेरा अब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ये वैल्यू कितना हो जाएगा तो मैकेनिकल एनर्जी एट टाइम बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बताओ तो ये कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है कि कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा कांस्टेंट, टोटल एनर्जी उसका कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा कांस्टेंट। टाइम के साथ काइनेटिक बदलेगा पोटेंशियल बदलेगा लेकिन दोनों का जो सम होगा वह टोटल एनर्जी जो होगा वह कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एज कंजर्व इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंक्रोनस मोशन पार्टिकल का मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा कंजर्व माने कांस्टेंट रहेगा। अगर काइनेटिक बढ़ रहा है पोटेंशियल घटेगा, ये दोनों का सम कांस्टेंट। पोटेंशियल बढ़ रहा है काइनेटिक घटेगा, दोनों का सम कांस्टेंट। अब इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इधर टाइम रख दो इधर पोटेंशियल एनर्जी रख दो मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी तो समय चेंज कर रहा है लेकिन इसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट समझ रहा है। अगर मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर टोटल एनर्जी क्या रहेगा कांस्टेंट। ग्राफ दिखा दिया अब चलो इसका टाइम पीरियड अगर पूछे तब का लिखो कांस्टेंट हो गया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका कोई ऑसिलेशन होगा नहीं तो टाइम पीरियड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आ रखेगा क्या होता है इनफाइनाइट समझ गया। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रीक्वेंसी हो जाएगा जीरो क्योंकि ऑसिलेशन तो होगा नहीं इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो और टाइम पीरियड क्या होगा इनफाइनाइट।
पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड टी बाई टू, काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड टी बाई टू, मैकेनिकल एनर्जी का टाइम पीरियड इनफिनाइट, फ्रीक्वेंसी जीरो, फ्रीक्वेंसी टू न्यू था। अब क्वेश्चन ग्राफ से रहता है, बहुत ज्यादा पूछता है, याद रखेगा, इफ पार्टिकल स्टार्टेड मोशन, ऊपर लिखा रहेगा, फ्रॉम मीन पोजिशन, कहां से मीन पोजिशन, मीन पोजिशन, देन तब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल, तीनों का ग्राफ क्या होगा, तभी देखा था मीन पोजिशन जब स्टार्ट करता है पार्टिकल अपना मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे अभी दिखाया था, बोलो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा ऐसा, एम्पलीट्यूड हो गया ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो जीरो जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ होगा ऐसे, समझ गया, और मैकेनिकल एनर्जी ग्राफ होगा ऐसे, एकदम सीधा वे मैक्सिमम एनर्जी है ना, समझ गया, क्या होगा ग्राफ सीधा लाइन है, ए रिप्रेजेंट करेगा क्या चीज का, पोटेंशियल एनर्जी से, ए रिप्रेजेंट करेगा किसको, काइनेटिक एनर्जी को, और ए रिप्रेजेंट करेगा किसको, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल, मैकेनिकल में मैक्सिमम होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और जितना पोटेंशियल मैक्सिमम होगा जितना काइनेटिक मैक्सिमम होगा उतना मैकेनिकल मैक्सिमम होगा, बता रहा है ये हो गया एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन अच्छा ये तो हो गया पोजिशन और एनर्जी के बीच का ग्राफ हो गया ना, लेकिन अगर टाइम के बीच का पूछ दे एक ही साथ तब का हो, एक ही साथ इधर हो गया एनर्जी, इधर हो गया काइनेटिक एनर्जी का होगा, क्या बताया था काइनेटिक एनर्जी का लिखता था मीन पोजिशन स्टार्ट के काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा, काइनेटिक में पोटेंशियल में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा, और मैकेनिकल तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा होगा, ये हो गया किसका ग्राफ, ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जहां काइनेटिक रहा है, जहां काइनेटिक मैक्सिमम हो पोटेंशियल जीरो है, और जहां पोटेंशियल जीरो हो काइनेटिक क्या, पोटेंशियल क्या होगा मैक्सिमम होगा, काइनेटिक जीरो पोटेंशियल मैक्सिमम ग्राफ है, अगर अलग कलर का पेन रहेगा आप तो अलग कलर का पेन से दिखा लीजिएगा,
ठीक है ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है जहां काइनेटिक मैक्सिमम वहां पोटेंशियल जीरो है। देखो यहां पोटेंशियल जीरो काइनेटिक में, जहां काइनेटिक जीरो है पोटेंशियल मैक्सिमम है, यहां काइनेटिक मैक्सिमम है जहां पोटेंशियल जीरो है, यहां क्या है काइनेटिक, काइनेटिक ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वाला है, काइनेटिक यहां जीरो है पोटेंशियल मैक्सिमम है, ये ग्राफ किसके लिए हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, समझ गए हो गया ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, समझ गया, मतलब ये हो गया काइनेटिक, ये हो गया काइनेटिक, हम लिख देते हैं ये हो गया काइन, ये वाला ग्राफ हो गया ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, और ये वाला हो गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ठीक है और टोटल मैकेनिकल एरिया ग्राफ रहेगा तो कैसे रहेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन, ये एकदम टाइम चेंज कर रहा फ्रेंड्स, एंटरली नॉट चेंज ए लाइन स्ट्रेट लाइन, दिस इज द मैकेनिकल, तीनों ग्राफ इसके साथ है, समझ गया, इसलिए पूछता है यही क्वेश्चन, अगर पूछे ऐसे तब ग्राफ क्या लिखोगे, बहुत पूछे हुए हैं, जब क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है पार्ट के अपना मोशन कहां से स्टार्ट करता है, इफ पार्टिकल स्टार्टेड मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, इसका मतलब टी इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर कहां है प्लस एफ पर है, इधर माइनस एफ पर, तब क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का रिलेशन, या डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट या पोजीशन में है तो मीन पोजीशन से ही होगा, हां एटम की क्या लिखेंगे इक्वेशन ए ओमेगा पोजीशन टाइम इक्वेशन ए साइन, अरे स्ट्रीम से चल रहा है तो ए कॉस, तब कितना देरी लगेगा ए कॉस ओमेगा टी, मीन तो लिखे रहते बार बार ए साइन ओमेगा टी, कब लिखते थे जब मीन से चलता होता ना, ये कहां लिखा रहा है पार्टिकल स्टार्टेड मोशन फ्रॉम स्ट्रीम, ए पर ए कॉस ओमेगा टी ना, अब यहां से वेलोसिटी निकालोगे तो क्या निकलेगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस साइन के साथ आएगा, कॉस कट टू माइनस है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर लिखोगे एट टाइम टी तो क्या लिखोगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे टी टाइम तो क्या लिखोगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिख सकते ना, हाँ तो कॉस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे ठीक, तो कॉमन आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो भी कांस्टेंट रहेगा पहले के तो बराबर आ गया, अभी देखो तो अब चेंज कर दिया, जो काइनेटिक था पोटेंशियल आ गया, जो पोटेंशियल था वो काइनेटिक चेंज कर गया, अरे काइनेटिक वाला देखो ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ ऐसे था, देखो हाँ ऐसे ही वाला था, ये वाला ऐसे था, अब ग्राफ हो गया साइन वाला, साइन में कन्वर्ट हो गया, अब देखो ग्राफ क्या होगा, इसलिए क्वेश्चन को ठीक से रीड करना, ही नहीं कि ऐसा बताएं बस ऐसा ही होगा, देखो ग्राफ हाँ पोजीशन टाइम ग्राफ वही रहेगा, पोजीशन के साथ एनर्जी ग्राफ में कोई चीज नहीं आएगा, चाहे मीन से चले चाहे स्ट्रीम से चले ठीक है, लेकिन टाइम वाला में चेंज आ जाएगा, अब हो जाए काइनेटिक का ग्राफ ऐसा हो जाएगा,
अब ये काइनेटिक वाला ग्राफ होगा, क्या होगा? काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी टाइम का ग्राफ होगा। समझ रहा है? टी बाई टू यहां हो जाएगा उधर से पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, कॉस स्क्वायर है ना। हाँ अब ऐसा हो जाएगा, जीरो टी बाई टू टी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी टाइम के बीच का ग्राफ बराबर है। हाँ। और मैकेनिकल एनर्जी ग्राफ क्या होगा? तो ऐसा ही रह जाएगा, टाइम कॉन्स्टेंट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, थोड़ा सा मैक्सिमम कार्डियक मैक्सिमम वही हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। चल देखो भेज भेज टाइम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एज सेम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टी बराबर टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल। क्वेश्चन करता है अगेन या इफ पार्टिकल स्टार्टेड मोशन फ्रॉम मीन पोजिशन, अगर स्टार्ट करता है तो पोजिशन देन फाइंड पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट दैट उस टाइम पार्टिकल का पोजिशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तो क्या करोगे? तो कहा था किस टाइम में पार्टिकल का काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट टाइम की बराबर पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम की, दोनों सेम कर देना। तो मान लो पार्टिकल अपना मोशन मीन पोजिशन से स्टार्ट करता है तो काइनेटिक का लिंक हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मीन से स्टार्ट करता है तो कॉस, क्योंकि साइन का डिफरेंस कॉस हो जाएगा, इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन, अगर ये कॉस है भी साइन हो जाएगा। अभी इसे कट गया, अभी मैं इधर ले आ तो कॉट स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कितना, तो कॉट ओमेगा टी बराबर प्लस माइनस, तो ओमेगा टी बराबर एक तो है पाई बाय फोर आएगा और कॉस माइनस और दूसरा वैल्यू क्या है, बहुत सारा टाइम पॉसिबल है प्लस माइनस है पाई बाय फोर पाई फिर क्या होगा पाई प्लस पाई, हाँ पाई प्लस पाई बाय फोर तो होगा करेगा प्लस पाई बाय फोर,
होगा ना, और क्या होगा, माइनस वन करना है तो पाई माइनस पाई बाई फोर और टू पाई माइनस पाई बाई फोर होगा ना सर एंगल। तो क्या होगा, तो t बराबर कितना, पाई बाई फोर ओमेगा, फिर आ गया फाइव पाई बाई फोर ओमेगा, फिर आ गया थ्री पाई बाई फोर ओमेगा, फिर आ गया सेवन पाई बाई फोर ओमेगा। तो टाइम पीरियड के टर्म में तो क्या होगा, टी वाई एट फाइव टी वाई एट थ्री टी वाई एट सेवन टी वाई एट, ये सब टाइम है। अगर पूछ दिया फर्स्ट टाइम तब काइनेटिक पोटेंशियल दोनों सेम होगा, तो फर्स्ट टाइम पूछा था टी वाई एट नहीं, हाँ अगेन सेकंड टाइम का होगा तो थ्री टी वाई एट, चार टाइम का होगा, एक बार मीन पोजीशन पर तो मैथमेटिक्स बनता है, एक बार जाते समय काइनेटिक पोटेंशियल दोनों सेम होगा कहीं ना कहीं स्ट्रीम तक जाने में, फिर एक बार लौटते समय होगा, फिर मीन पोजीशन पर आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर एक बार इधर जाते समय होगा, फिर इधर सीधा आते समय, इसलिए क्या टाइम होगा, चार चार टाइम होगा। एक ऑक्सीलेशन में चार बार ऐसा समय आएगा जहां काइनेटिक पोटेंशियल दोनों क्या होगा, सेम होगा। फर्स्ट टाइम पूछेगा टी बाय एट, सेकंड टाइम पूछेगा थ्री, थर्ड टाइम पूछेगा फोर्थ टाइम पूछेगा मरा है। चलो यहां कॉट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉट 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 कॉट, ठीक है। पार्ट की अडल्ट टाइम, पार्टी का पोजिशन अटैक टाइम क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो किस टाइम में किस पोजिशन पार्टिकल का काइनेटिक पोटेंशियल सेम होगा, टाइम तो निकला है, पार्टिकल स्टार्ट मोशन ऑफ मीन पोजिशन से, ए साइन ओमेगा टी लिखेंगे, अब एक्स बराबर कौन कौन सा पोजिशन के लिए, अरे ये रख देंगे, तो ए साइन ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाई फोर, ओमेगा टी है ना, ओमेगा टू पाई बाई फोर, पाई बाई फोर रखोगे फिर क्या रखोगे, पाई माइनस पाई बाई फोर, तो पाई तो वही आ जाएगा, एक क्वेश्चन पॉसिबल हो जाएगा, तो ए आ जाएगा ए बाई रूट टू, दूसरा क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई पाई प्लस पाई बाई फोर रखोगे, ए साइन पाई प्लस पाई बाई फोर रखोगे या माइनस टू पाई माइनस पाई फोर रखोगे, तो वैल्यू कितना एक ही आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा ए बाई, इसका क्या दो पोजीशन पॉसिबल है, दो पोजीशन एक्स वन और एक्स टू, एक्स बराबर प्लस माइनस लिख सकते हैं ए बाई टू, नहीं इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम का आधा, आधा नहीं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, मैक्सिमम आधा मत तो सेम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पर क्या होगा, सेम सेम हो जाएगा, जितना काइनेटिक रहेगा अपने पोटेंशियल का पोजीशन होगा ए बाई रूट टू, मीन पोजीशन से राइट भी हो सकता है, मीन पोजीशन से लेफ्ट लेफ्ट भी हो सकता है, क्लियर। चलो आज का काम इतना है।